जय श्री राम फ्रेंड, स्कोडा सुपर जो कि इसका कंप्लीट सर्विस करके ले रहे हैं हम और रियर ब्रेक सर्विस करके ले रहे हैं। रियर ब्रेक काफ़ी चलेगा, अच्छा है, उसको अच्छे से क्लीन करके देंगे। सिलेंडर थोड़ा जाम लग रहा है, उसको फ्री करके लेंगे। और राइट साइड का है, राइट साइड का भी सर्विस करके लेंगे, सिलेंडर का किट चेंज करके लेंगे, काफ़ी रस्ट है। और ये फ्रंट ब्रेक पैड खोल के लिए और नेक्स्ट सर्विस में हमने शॉकअप वगैरह सब चेंज करके लिए थे। कैलिपर पिन में प्ले है, प्ले दिखाओ मनोज, ये प्ले प्ले है तो उसको लिथवर करके लेंगे पिन चेंज करके। ये लेफ्ट साइड का फ्रंट, तो ये साइड का भी हमने सस्पेंशन किया था और कैलिपर भी देख सकते हैं। ये इंजन फ्लश डाल के ले रहे हैं गाड़ी के अंदर, अभी 10 मिनट गाड़ी चालू रखेंगे, इसके बाद फ्लश डालने के बाद गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी 10-15 मिनट गाड़ी स्टार्ट रहेगा, फ्लश डाल के बिना ऑयल में अच्छे से क्लीन हो जाएगा इंजन, बाद में बिना ऑयल निकाल लेंगे इसका बाहर कवर को, इस तरीके से बाहर निकालेंगे हम बाहर। ऑयल फिल्टर का लोकेशन है जो कि 27 नंबर पानी से खुलेगा, और यहाँ से ऑयल लीक हो रहा है, इसको भी ऑयल का देखते हैं कहाँ से लीक हो रहा है। एंड लोकेशन ऑयल काफ़ी गंदा हो गया है, ऑयल रिप्लेस करके लेंगे। ये ऑयल फिल्टर के लिए ऑप्शन देता है एक्सीलेटर वोल्टेज का, इसको ब्रैकेट 30 नंबर के पानी से खोल लेना है हमें, इसको निकाल के देख सकते हैं। इस तरीके से इसका काफ़ी जगह हो जाता है ऑयल फिल्टर खोलने के लिए, ये 28 के बॉक्स में से ऑयल फिल्टर निकाल के लेते हैं। देख सकते हैं हमने खोल लिया है ऑयल फिल्टर और इसको बाहर निकाल रहे हैं अभी। ऑयल फिल्टर और इसका रिंग वगैरह सब चेंज करके लेते हैं, ये पेट्रोल से वॉश करके ले रहे हैं अच्छे से, तो अच्छे तरीके से वॉश कर लिया अभी इसको। ये ओरिजिनल BMW का ऑयल फिल्टर है, दिखाओ इधर, दिखाओ MRP, इसमें लिखा हुआ पोजीशन है, पार्ट नंबर जो लिखा हुआ है उसमें, इसको अपर साइड करके ऐसा प्रेस कर दीजिए, इसका तो लॉक हो गया। और इसका भी ये भी रिंग चेंज करके लेते हैं, नया रिंग निकालेंगे, अरे पहले ऊपर वाला रिंग फिट करके लेंगे, नया फिट हो गया, ये नीचे वाला रिंग फिट करके लेंगे, फिट हो गया, अच्छे से नया फिट करके लेंगे। तो फिर इंजन ऑयल डाल के ले रहे हैं अभी, नट वगैरह ले लिए, लगा लिए, और इंजन ऑयल 5W30 का कैस्ट्रोल का डाल के लेंगे 4.5 लीटर का। और कूलेंट हमने डाल ही लिया है, और 8W का एयर फिल्टर लेके आया हमने नया, जो कि ओरिजिनल है एयर फिल्टर। सब होते हैं कूलेंट में, तो कूलेंट किस हिसाब से देख रहे हैं, एकदम इश्यू, पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें, तार बन रहा है, एकदम लिक्विड वाला कूलेंट है, ये रिप्लेस करके ले रहे हैं हम। तो देख रहे हैं कितना थिक कूलेंट है, रेड कलर का कूलेंट है स्कोडा रैपिड में, स्कोडा की जितनी कार रहती है उसमें रेड कलर का ही कूलेंट डालना चाहिए हमें, तो कितना थिक नहीं है, ऐसे फिल्टर फिट करके ले रहे हैं। इसका डस्ट के लिए ये होता है, लिक्विड होता है, वो लगा के अच्छे से क्लीन करके ले रहे हैं हमारे मनोज जी, जो है अच्छे से क्लीन करके ले रहे हैं। ऐसे दोनों साइड का भी होता है, ब्रेक शैम्पू होता है, उसको अच्छे से क्लीन करके लेंगे, जो डस्ट रहता है पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है। मनोज जी हमारे अच्छे से क्लीनिंग कर रहे हैं ब्रेक का, बाकी थोड़ी देर सूखने रखेंगे, बाकी फिर ड्रम सेटिंग करके ब्रेक ड्रम फिटिंग करके लेंगे। इसे भी क्लीन होगा अच्छी तरीके से, सूख रहा है स्लो स्लो, ये सूख जाएगा 15-20 मिनट में फिट, पहले जो कवर रखा हुआ है।